हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाड़ी मोटर्स। अगर मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम है निकुल प्रजापति और आज मैं बताने वाला हूँ टाटा 4x के बारे में। ये कॉन्सेप्ट नेम है इसका, जो ओरिजिनल नेम है वो अभी तक रिवील नहीं किया है टाटा मोटर्स ने। तो आज सारी चर्चा इसी टाटा 4x के बारे में होने वाली है, तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेकिन 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 अभी तक हमारे चैनल गाड़ी मोटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग जो वीडियो है वो लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिटेल वीडियो। ओके दोस्तों, दोस्तों टाटा 4x के बारे में, लेकिन रुको 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 गाइस, कहीं मत जाओ, पूरी बात पहले सुन लो। तो टाटा 4x के बारे में सबसे पहले चलते हैं एक्सटीरियर। आपको क्या क्या मिलने वाले हैं वो बता दूँ तो आपको मिलेंगे एक्सटीरियर में, फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग LEDs और फॉग लैम्प, और साथ में टाटा का लोगो। तो काफी अट्रैक्टिव रहने वाला है टाटा 4x का फ्रंट इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर। अब जो रियर प्रोफाइल नहीं है लेकिन साइड प्रोफाइल में चलते हैं, तो आपको 16 या 17 इंच के इसमें एलॉय व्हील मिलेंगे। रियर प्रोफाइल काफी डिफरेंट है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो है मारुति सुजुकी की बलेनो, नेक्सा बलेनो, i20 और है होंडा जेज। तो इससे डिफरेंट है काफी। और अगर मैं बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है टाटा 4x, उसका जो रियर है वैसा का वैसा रहेगा, शायद रहने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, लेकिन रहे तो क्या होगा, तो ये कार धमाल मचा देगी। कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा क्योंकि इसका रियर है वो काफी अच्छा है, कोई स्पोर्टी कार हो वैसी लगेगी कार ये, लेकिन ऐसा नहीं रहने वाला दोस्तों। इसका जो रियर प्रोफाइल है वो चेंज होने वाला है। तो अब चलते हैं इंटीरियर की बात तरफ। तो इंटीरियर की बात कर दूं तो काफी रिच फील दिलाएगा इंटीरियर, क्योंकि ये बनाई गई है जो टू फिलोसफी का जो डिजाइन है उसमें बनाई गई है। ये है अल्फा प्लेटफॉर्म, ओमेगा आर्क अल्फा प्लेटफॉर्म इसमें यूज किया गया है। तो काफी इंटीरियर काफी रिच रहने वाला है, जैसे कि टाटा हैरियर का रहने वाला था, वही का वही वैसा ही रिच आपको फील कराएगा। ये आएगी 5 स्पीड मैनुअल के साथ। अब इसके इंजन की बात कर दूं तो इसमें दो इंजन आने वाला है। एक है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो नेक्सॉन में ऑलरेडी आता है, और दूसरा है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो भी नेक्सॉन में आता है। तो नेक्सॉन के जो ये दो इंजन इसमें डाल दिए जाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पावर फिगर है वो सेम रहने वाले, कोई भी इसमें चेंज शायद नहीं होगा। तो बस जो इंजन की बात थी वो यही थी। बिल्ड क्वालिटी तो कोई इश्यू नहीं रहेगा क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है काफी नया है और मजबूती में काफी अच्छा रहने वाला है, और काफी वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ यानी काफी शक्ति, जो पावरफुल कहते हैं वैसा रहने वाला है। और इसकी प्राइस की बात कर दूं तो ये इसकी प्राइस जो होगी वो शुरू होगी आई थिंक 5.5 लाख से शुरू होके, 5.5 लाख, आई एम नॉट 100% श्योर दोस्तों, लेकिन 5.5 लाख से शुरू होके इसकी प्राइस जाने की संभावना है, वो 9.5 या 10 लाख तक इसकी प्राइस जा सकती है दोस्तों। दोस्तों अब ये लॉन्च कब होने वाली है, तो एक दो ही इसके पॉइंट है, यानी कि दो जो टाइम है इसमें शायद ये लॉन्च होने वाली है। एक है मिड 2019, इसी मिड यानी कि 2019 है उसके बीच में, और एक है दिवाली। तो ये जो दो सीजन है इसमें ये लॉन्च होगी, 99% में ये कह सकता हूँ, लेकिन 100% श्योर नहीं है दोस्तों। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इश्यू इसमें नहीं रहने वाला है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो दोस्तों बस यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि टाटा 4x के बारे में ये वीडियो आ गया है, दोस्तों को बताइए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।